हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वीडियो अवेकोडा ग्राफ्टिंग रिलेटेड है। मैंने 8 जून को एक ग्राफ्टिंग किया था। ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं, सिंगल ये बीजू पौधा है। बीजू पौधा के ऊपर मैंने एक ग्राफ्टिंग किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने 8 जून को ये ग्राफ्टिंग किया था और ये सक्सेसफुली अभी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। और ये मैंने इस मंथ को 1 तारीख को एक फिर से ग्राफ्टिंग किया है। ये बीजू पौधा आप लोग देख सकते हैं, एक अलग वैरायटी का बीजू पौधा है। ये दोनों एक वैरायटी के बीजू पौधे, और ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये अलग वैरायटी का है। मैंने पहले ही बोला कि मैंने ये बीजू पौधे से ग्राफ्टिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा पौधा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। इसको दूसरे पौधों की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इसके फ्लोरिंग में ही आपको मेल और फीमेल दोनों मिल जाते हैं। इसलिए इसके फल कन्वर्जन रहता है, वो अच्छी तरह से हो जाता है। इसके लिए टाइप ए टाइप बी इस तरह से कोई एवोकाडो नहीं लगता है। सो मैं आप लोगों को ग्राफ्टिंग का भी एग्जांपल एक दे चुका हूँ कि किस तरह से ग्राफ्टिंग होता है। आज मैं सक्सेसफुली ग्राफ्टिंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे जहाँ पे सिर्फ ग्राफ्टिंग मेथड बताई जाती है, फिर उसके बाद जो सक्सेसफुली ग्राफ्टिंग होता है वो प्लांट नहीं दिखाते हैं। यहाँ से आप लोगों को कट करना है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ब्रांच, इस ब्रांच को मैंने कनेक्ट किया था। इसको आधा काट के फिर इसको यहाँ पे पैक करके मैंने यहाँ से पूरा उसको पैक कर दिया था। बाद में अभी आफ्टर 1 मंथ के बाद मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो इसको निकालने के टाइम इस जो भी ब्रांच आप लोगों को दे, इसको यहाँ से काट लेना है। ये इस तरह से आप लोग पौधा देख सकते हैं। ये देखिए, अभी सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है ये पौधा। और 2-3 टाइप से हम लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये ग्राफ्टिंग मैंने जो किया, इसमें सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि दोनों पौधे से इसको जो भी मिलने वाला है सब इसको यहाँ पे मिलता है। उसका यहाँ पे डेवलप अच्छे से हो जाता है। अगर उस प्लांट का ब्रांच और ये ब्रांच दोनों कनेक्ट करते तो ये इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो ये ग्राफ्टिंग मेथड काफ़ी सक्सेसफुल है। और भी काफ़ी, ये भी देखिए, ये अगले मंथ को मैं निकालूंगा, आफ्टर 1 मंथ। और ये एक दूसरा ग्राफ्टिंग मेथड मैंने यूज किया है, ये इसके भी मैंने इस मंथ के फर्स्ट को ग्राफ्टिंग किया है। आफ्टर 1 और 2 वीक्स के बाद हम लोग देखेंगे कि इसको फ्लॉ कन्वर्जन होता है या नहीं होता है अच्छे से। और आगे के वीडियो में आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्टिंग मेथड्स कौन कौन से, ये भी बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।